बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर जो जब तक सत्ता में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लेकर लगातार कटाक्ष करते रहते और जिस भी सभा में जाते चाहे अंतर्राष्ट्रीय सभा में जाते या अपने देश में कभी संबोधन करते तो भारत की यानी सरकार को यानी हमारी सरकार को कभी फैसिस्ट कभी किसी जगह जाकर ये कहना कि आरएसएस के हाथों में ये सरकार खेल रही है ये आरएसएस की सरकार है ये मुसलमानों के लिए खतरा है और न जाने क्या और क्या कुछ वो नहीं कहा करते थे ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं जब तक सत्ता में थे जिस वक्त जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं ऐसा लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसी समय जब वो सत्ता से बाहर हुए उन्होंने एक बयान दिया कहा देखिए भारत किस तरीके से विश्व में इस वक्त रूस के मामले में खड़ा है और एक हम है कि हम एक बाहरी देश के कहने के ऊपर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को बार का रास्ता दिखा रहे हैं और अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं यानी साढ़े नौ रुपए की राहत मुझे और आपको पेट्रोल में मिली है और सात रुपए की राहत मुझे और आपको डीजल में मिली है इन पेट्रोल और डीजल के कम हुए दामों के बाद पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा की और उन्होंने प्रशंसा इस बात पर की कि वो सस्ते दामों पर रूस से इस समय तेल खरीद रहे हैं हालांकि अमेरिका से जबरदस्त प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप ये ना करें इमरान खान ने ट्वीट करके कहा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा है और सस्ता तेल रूस से खरीद रहा है ताकि वो अपने देश के लोगों की मदद कर सके इमरान खान ने कहा कि हमारी सरकार जब थी हम भी यही कोशिश कर रहे थे हमने भी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाई थी हमने भी ये तय किया था यानी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के प्रेशर में अमेरिका के कहने के ऊपर या अमेरिका के डंडे के डर से हम भी हम अब फैसले नहीं लेंगे हमारे फैसले आज़ाद फैसले होंगे उसके बाद उन्होंने ये कहा उनके उन्होंने आगे कहा कि ट का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने यह फैसला किया है साफ तौर पर दर्शाता है इस पर इमरान खान ने थोड़ा और आगे जाकर यह कहा कि यही हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे आपको ये आपको ये ध्यान में होगा कि केंद्र सरकार ने कल एक फैसला लिया जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए और उज्ज्वला गैस योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर के ऊपर 12 सिलेंडर पर हर सिलेंडर पर दो सौ रुपए की सब्सिडी अब आम जनमानस को मिलेगी ये बहुत बड़ा रिलीफ है और बहुत बड़ी इकोनॉमी में पूरे देश भर के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कम की है उस एक्साइज ड्यूटी के कम करने का डायरेक्ट फायदा जो है भारत के आम जनमानस को होगा इमरान खान के ट्वीट साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जब इमरान खान सत्ता में थे तब वो कोई और बोली बोल रहे थे अब सत्ता से बाहर हुए हैं तो कोई और बोली बोल रहे हैं आखिरकार भारत सरकार से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से इमरान खान को जो ये प्यार हुआ है वो भी विपक्ष में रहते हुए और वो भी पाकिस्तान में इसका कारण क्या है मुझे लगता है जो डेप्थ एनालिसिस करने का शौक़ रखते हैं उन्हें इस नए प्रेम पर भी कुछ लंबा लेख लिखना चाहिए